डांट पड़ी बहनें निकलती ही नहीं है। और इसको चिकन पसंद है, बाकी हम सब लोग मटन खाते हैं, क्योंकि पता नहीं फिर मैं मोटी क्यों हो रही है। ये लड़की चाइल्ड लेबर करा रही है, तोड़ के लेके नींद में बच्ची को सोने दो। बाय बोलने जा रही हूँ, कितनी दफा मियां मिठू चूड़ी खानी, ये कह रही मैंने साथ जाना। ज़ैनब भी तेरे साथ? ज़ैनब कहाँ है? सारी जगह पड़ी है। अपनी बेटी को भूल, अपनी बेटी नहीं आज। बहुत हेक्टिक रूटीन के बाद हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं और अब हम लोग जो हैं वो जाएंगे चाचू की तरफ दावत पे, क्योंकि बहुत जल्दी हमें हम आएंगे। अम्मा भी तैयार, हीरा भी तैयार, इधर ये दोनों लड़कियां भी तैयार और खाने में मसरूफ, वो भी लड़की तैयार। यस यस यस, डांट पड़ी, क्योंकि मेरी बहनें निकलती ही नहीं है और फटाफट इनको निकाल रहे हैं। बस कर दे, वहां जाके कुछ नहीं खाना, मोटो जल्दी जल्दी जल्दी। पापा जी इनको डांटे, आधी बार जाके अटक गई है। ओ शिट, मेरा बैग, मैं बैग के बगैर कैसे जा सकते हैं। बेसिकली जब आप कहीं जाते हैं तो किसी के घर से घर पे आप ना केक लेके जाते हो, सही है? तो वो जो केक था ना वो फ्रिज में रख के लॉक लगा दिया, अब पापा वो लेने गए हुए हैं और पापा इस वक्त बहुत तपे हुए हैं। तो भैया इसको एक्स्ट्रा खुशियां चढ़ी हुई क्योंकि सबको डांट पड़ी है यहाँ पे। हाँ, मुझे किसी की डांट से खुशी पड़ी। हाँ ये देखो जरा, सबको डांट पड़ी क्योंकि सब लोग लेट निकले हैं। ऐसे लग रहा है कि तुम आई मैं मर जावा, बुरे फटे हुए एक बदबूदार। मेरी बहन को हमेशा परफ्यूम चाहिए होता है मेरे साथ। चलो फातिमा, किसी की ग्लासेस नहीं मिल रही, किसी का चार्जर नहीं मिल रहा, किसी का परफ्यूम नहीं मिल रहा, ये हम जब भी घर से जाते हैं ऐसा ही क्यों होता है यार। चलो जी, उसका चश्मा, चार्जर, केक, जो चीजें बाजियाब करानी थी वो हम करवा चुके हैं, ठीक है? चलो आप परफ्यूम लेके आओ, चलो पिए। गुड गर्ल, चलो। नहीं नहीं, गाड़ी में होगा, ठीक। चलो चलो, फाइनली घर की लाइट्स बंद हो चुकी हैं। चलो गाड़ी में, छुट्टियां बनाई इसने, गंदे कर्ल किए हैं। जब भी किसी मेहमान को कॉल करके कहे ना कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं, प्लीज वो 10 मिनट ना समझा करे, वो समझा करे आधे घंटे में आ रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई मसला है तो आप हमारे ब्लॉग देखा करें। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, अब गाड़ी में बैठना भी इनको मुश्किल है और गाड़ी से उतारना भी इनको बहुत मुश्किल है। चलो 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 चलो, आप बेल छल दे दें। उन्होंने कहना है कि हम लोगों ने ना बर्तन उठा दिए और अब आप लोग घर जाओ। ओ माय गॉड, तो हम लोग घर पहुंच गए थे तो यहाँ पे तो टुड्डू का भाई इधर पैदा हुआ है। चलो जहाँ पे जाती हैं बच्चे, जहाँ पे जाती हैं बच्चे, जा बख्श दो किसी को। अच्छा खाने की खुशबू आई है, कैसे ये औरत बाहर निकल के आई है? खाने का वेट कर रही थी कब से। हाँ, मुझे नजर आ रहा, तुम खाने का वेट। एक मिनट, अब हमारा जो है ना वो खाना शाना लेट बनाओ हीरा अपने। और मेरी भी बना दो प्लीज। अपने बल के मेरी भी तुम बनाओगी। ये तिल मोटी लग रही है, ये तिल मोटी है, तिल वाला। सॉरी कि मैंने कहा सारा मटन है, चिकन भी है। इसको चिकन पसंद है, बाकी हम सब लोग मटन खाते हैं। देखो खान, हाँ इतना खुला के पर्दे की भी जरूरत। ये चीज़ तो मिस ही होगी तुम्हें अभी से। चलो राबिया मेरे लिए भी डाल लो प्लीज। तुमने क्या किया है? साइड पे करो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ना बारात की वीडियो बना रही हूँ किसी की। कैसे लोग खाना पिए देखो जरा इसको। तोबा राबिया कहेगी पता नहीं फिर मैं मोटी क्यों हो रही। सबने खाना खा लिया और अभी आप सबको याचिका मार रहे हैं। She's my cousin. Tell your name to the audience. What's your name, Ani? तू शाय हो जाएगी ना जिंदगी में, सबका सुकून हो जाएगा। मैं बदतमीज, मेरी आदत खराब है। वो भी कह रही होगी कौन सा लतीफे से पाला पड़ेगा जिस वक्त मैंने टेरेस पे ही यहाँ पे ना कोई पूछ सकता। ए ध्यान से पीछे रबे, पीछे हटो, नहीं है कोई। मैं दफा हो जाऊँ यहाँ से। मैं तुम्हें इधर निकलो तुम, आरोही पता लगे। मैं तो कभी गलती से भी ना मुझे इतना डर लगता है इस तरह की।
अब मालूम पड़ा यहाँ पे खीर का समय चालू हुआ जाता है, तो मैं खाने आई हूँ यहाँ पे खीर। दो मिनट पहले ना ये दोनों औरतें अंदर थी, ये औरत भी अंदर थी। अब देखो जरा खीर के टाइम पे, मैं तो इनके ऊपर वो करती हूँ ना कमेंट्री, मुझे इतना मजा आता है ना। ये देखो जरा फातिमा को तो अजनों की अब्दों की भूख लगी हुई है, और इसको भी देखो जरा, इन दोनों की सिर्फ चुगलियाँ सुनो। खानदान में कहीं आके बस इनको खाना मिल जाए। आई डोंट हैव मारा बे, मैं उंगली से खाऊंगी, दो मुझे। मैंने नहीं है कर... बड़ी बदतमीज हो। हीरा हीरा प्लेट ना चाट लो पूरा, जिस तरह तुम खा रही हो। खीर खाने के बाद ये लड़की चाइल्ड लेबर करा रही है। मैंने बच्चों का लेट्स प्ले द गेम डॉक्टर एंड पेशेंट। ओके मैं मसाज करवा रही हूं, तो मैं मसाज कर। ओके चलो, ये आप क्या कर रही हो? What are you doing? पेट ठीक कर रही। चलो उसका पेट खराब है, वो पेट ठीक कर रही, उसका सर खराब है। सर ये आज आप अपने ट्रीटमेंट्स करा रही है आप। ये लड़की यहाँ पे बर्दाश्त नहीं पाई गई है। ये लड़की इधर बट चाय आ रही है, चाय शॉपर में पैक करा के तो घर नहीं लेके जा सकते। मैं तो चाय भी नहीं पीनी, तो घर ले जाऊंगी। बाल देखो तुम अपने जैसे, किसी चुड़ैलों की छुट्टी हुई हुई है। मेरी आंखों में फुल नींद भरी हुई इस वक्त, और मुझे अपने लेंसेज रिमूव करने लगे। मेरे पास लेंसेज बॉक्स नहीं है मेरे पास। निकल, तेरी गर्दन पे क्या लगा है? गंदा सा मुंह। अच्छा ए, मेरी चाय किस खुशी में? चाय नहीं, ये तो उंगली किस खुशी में मारी है तुम्हें मेरी चाय में? है मेरी शर्ट है। ए, ए, कहीं आके भी तुम लोग बस कर दिया करो खुदा के लिए। मैं तुम्हें भी खिला, दफा रबाई जाके खीर खाओ, निकलो इधर से। चाय शाय पी ली है, चाय शाय पीने के बाद अब जो टाइम होता है वो यहाँ से रफू चक्कर होने का, क्योंकि इस वक्त जो है वो दो बज चुके हैं, और ये औरत मेरी शक्ल देख रही है। ऊपर से इतने शोर से ना मेरा गला बंद हो गया, बिल्कुल बैठ गया। अब सब यहाँ पे मिलेंगे जुलेंगे, अब ये जो टाटा बाय बाय है ना, कि कुछ 6 घंटे चलने वाली है, एक इस दरवाजे पे, उस दरवाजे पे, उस दरवाजे पे, उस दरवाजे पे। रबे तुमने इतना शोर जिंदगी में कभी देखा? अच्छा मेरी शादी पे तुम ये करोगी? चला ही ना, तो मैं तारे दूं, तारों से बांध दूं। यार ये बाय बाय पिछले घंटे से जा रहा, और पहले उधर थी अब इधर आ चुकी है, हल्की आंच पे यहाँ पहुँच चुकी। फातिमा आ ले चलो तुझे तारों के शहर में। फातिमा बस तुम्हारी बाय बाय हो गई है, अब उसको नींद में बच्ची को सोने दो। शीर सो क्यों, मैं भी बहुत क्यूट हूँ, मुझे भी प्यार करो। मैं भी बहुत क्यूट हूँ। अब कहाँ जा रही हो? बाय बोलने जा रही हूँ। कितनी दफा? 6 साल के लिए दांतों को इसने बर्गर लगवा लिए थे। निकलो अभी यहाँ से, 6 दफा बाय कर चुकी है। बाय बोल चुकी, कोई जा ही नहीं रहा है। चलो चलो चलो, अब बाय बाय करने की बारी आई है इन डुडुओं को। ये आएगी ऐसा, अभी ठीक है। मियां मिठू चूरी खानी है? मियां मिठू चूरी खानी? मियां मिठू चूरी खानी? मियां मिठू बोले, मियां मिठू चूरी खानी? वो कह रहा हाँ, हाँ पर खोल के कह रहा है, मानो हाँ हाँ चूरी खानी, चूरी खानी, पता लगे तेरी। वो कह रहा है चूरी खानी, हाँ चुप ही हो गया। क्या क्या बोल दोबारा? बजा रहा यार, बहुत
अच्छा सो सब जा रहे हैं, बाय बाय टाटा बाय बाय। यार वो बुला रहा तुम लोगों को, चलो निकलो तुम। कह रहा है मेरा तोता बोलने लग गया, मेरा बच्चा वापस चाहिए। एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन घर है अभी इस वक्त, तो अब सब घर देखना स्टार्ट हो गए। तो साथ भी नहीं ली गई है, लेकिन ये बाय जो है वो पिछले 2 घंटे से चलता आ रहा है और अब मेन गेट पे आ चुका है। ठीक है अब फोटो की बारी है। यार मैं यहाँ गिर ना जाऊँ। लाइट आ गई गाइस, लाइट आ गई। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और अब बैठने लगे हैं गाड़ी में, लेकिन आपको ये बताते हुए बड़ी अफसुर्दगी हो रही है कि अभी तक बाइक खत्म नहीं हुआ। माँ आप तो बैठ जाएं गाड़ी में, उनकी तो पिक्चर चल रही है, मम्मा की जमाइयां, नींद आ रही है, बुरी हालत हो रही है। ये कौन है, ये कौन जा रहा है साथ हमारे? ये कह रही मैंने साथ जाना है। साथ जाना है कि वो बच्चे होते हैं ना जो घर से अपने घर से निकल पड़ते हैं, मेहमान आते रहते हैं, साथ जाना है कि वो है। जाना है आपने? वो पहले से सज के बैठी हुई अपने ताया अब्बू के साथ कि मैं बस यहीं बैठी हुई हूँ। नहीं उसने बाबा पास नहीं जाना, उसने साथ जाना, उसने जाना है साथ, नहीं जाना उसने। आगे बैठ गई है वो, अब हम भी बैठने लगे। तो फाइनली हमारा बाय बाय हो चुका है, सबको बाय बाय कर दो। 45 घंटों की बाय बाय खत्म हुई है, अब हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं, सुकून से जाके सो सकेंगे। ठीक है जी, लेट्स गो। चार्जर पकड़ा था? हाँ हाँ चार्जर पकड़ा था। किधर है? हाँ जी कुकी। उई ओए ज़ैनब भी नहीं आता। ज़ैनब कहाँ है? सारी निकल पड़ी उसको किसी ने। अपनी बेटी को भूल, अपनी बेटी नहीं आ रहा आपको? अच्छा मैं कब से कहूँ हीरा भी इतना खुले होकर क्यों बैठी, मैं जेल में सोची जा रही हूँ। मुझे लगा ज़ैनब पीछे बैठी हुई है। तुम नहीं आई? नहीं आई नहीं आई, उधर ही है। ओ माय गॉड बेचारी सोई हुई थी, सो रही थी। बदतमीजी लेके भी नहीं आया उसका, ऐसे कुछ सोचा हम घर चले जाते फिर। ओ कितना मजा आता है, पता लगे मानो। मुझे लगा पीछे बैठी हुई है। मानो मैडम हम लोगों ने छोड़ दी है वहीं पे, अब उसको लेने के लिए जा रहे हैं। हम ज़ैनब छोड़ गए इधर, अब हम टेबल में मेरे इयररिंग्स भी पड़े होंगे। दफा हो जाओ, तुम सारी चीजें छोड़ गई हो। चाची ज़ैनब रह गई अंदर, है आप उसको भेजा नहीं है? हमें तो याद ही नहीं है। मानो ए मानो तुम इधर ख्वाबे खरगोश में सो रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ के सामान पकड़ अपना, हम दोबारा वापस आए हैं, उठो। सारे जानकी नींद घर चले, हम चले गए थे घर। उठो। ये हमको मिल गया है फाइनली राबिया के वो, और ये अपना जूता पकड़ो इस जराबों समेत। सारा लेट तुम घर आती हो, किसने तुम्हें कहा था सो तुम? इतनी मजे की नींद आई थी, मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी, आप सब मुझे भूल गए? हां मैं पागल हूं कितनी। बुला रहा तुम्हें, चलो तो गाड़ी में जाके सो जाना, इतनी अदा कर। पापा से पूछना था कि वो भूल गए तुम्हें। चलो 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 शादा। सोई हुई नींद पूरी करी, ये पकड़ अपने इयररिंग्स, ये लो। वापिस बच्चे को चूना लगा रहे हैं, हम आपको वापिस लेने आ रहे हैं। बिल्कुल बाय बाय। तुम उधर सोई पड़ी थी, तुम्हें पता नहीं जाने, इतना प्यारा सा ख्वाब देख रही थी, आप लोग मुझे भूल कैसे गए? पापा ने याद किया तुम्हें? पापा सबको याद, हम लोग तो भूले पड़े हैं मुझे। हमने कहा हीरा इतनी खुली डुली होके बैठ के सब याद रास्ते, जो तुम्हारा पार्टनर है ना वो तुम्हें भूला है। मुझे लगा पीछे बैठी हुई आज मेरा ख्याल करके, तो मैंने कहा मैं आगे आराम से बैठ जाती हूँ। हम लोग पहुंच चुके हैं घर और स्टिल मौसम बहुत खूबसूरत है। रबे मेरा बैग पकड़ लेना प्लीज, गुड गर्ल। अपना सामान अपनी निकालो, आप की हील की दाद देती। आप यह सारा दिन पहन के घूमी है ये, पता ज़ैनब देखो ये पहन के भी, जुराबे पहन के, सॉक्स पहन के सड़क पे घूम रही बेवकूफ पागल। आप लोगों ने हमेशा नोट किया कि मैंने अपनी गाड़ी से निकलते रहता। क्यों? क्योंकि मैं सो नहीं रही, क्योंकि मैं अब तक हूं। तुम क्या कर रही हो? हाँ दरवाजा पकड़ के रखो नहीं तो बजेगा। चलो जमादारो बंद करो, ये 2 जमादार है। मम्मी का भी सर दर्द हो रहा है नींद से। ओ वाओ व्हाट अ मोमेंट, व्हाट अ मोमेंट। मानो उसके अंदर ना कोई कपड़ा फंस चुका है यहाँ पे, वो ना करंट छोड़ा और वो उसकी वजह से। हाँ ये देख क्या हो गया, हाँ आग नहीं खाली करंट लग रहा, वो दुपट्टा अटक गया ना वो उसके साथ। पापा बंद करेंगे। राबिया चार्जर मेरे पास रह गया तेरा, आके ले लो, फेंकू नीचे
नीचे फेंक दू, उधर ही खड़ी हुई हूँ। चलो जो मुसीबत, क्या खा रही हो? पिज्जा। दफा जो, गुड नाइट। इतने प्यारे जूते जब पहन के जाओगे तो फिर उतरने का हुनर भी तो होना चाहिए इंसान के पास। देखो मेरा हुनर कितना स्पेशल, अपना जूता ऐसे पकड़ो से, आई एम अ क्वीन। गाइस कमेंट करें, इकरा क्वीन। कमेंट करते प्लीज, करते करते वरना नींद नहीं आनी। और कमेंट करते हीरा ट्रक आर्ट आगे छोटा सा, ये भी करते। देखो जूता उतार के इंसान जो रिलैक्स होता है ना, कसम से दुनिया की सारी खुशी एक तरफ, अपने घर अपने कमरे में आने की जो खुशी है ना वो एक तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में खुसूसी याद करें मुझे, याद रखें मुझे और मेरी फैमिली को। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होती है मेरी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।